क्या कहेंगे बाबर आजम की बैटिंग के बारे में, कल जो 64 रन उन्होंने किए, खूबसूरत कवर ड्राइव और ऑन साइड पर भी उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, यानी कि एक ही तरफ खेले, ज़रा सी शॉर्ट गेंद मिली उन्होंने ऑन साइड पे, लेकिन कल जो बदकिस्मत रहे LBW हो गया और उन्होंने अच्छा किया रिव्यू नहीं लिया, अंपायर्स कॉल थी, तो आप समझते हैं कि बाबर आजम का बड़ा वाइटल रोल होगा क्योंकि सामने जो बॉलिंग अटैक है वो बड़ा तगड़ा बॉलिंग अटैक। अब मैं थोड़ा सा इसके इस डिटेल में जवाब दूंगा। देखें इनके जो आखिरी 3 मैच है ना, इनकी बैटिंग ने इनको लेट डाउन नहीं किया, जिसमें बाबर और साइम ऊपर से बेस बना के आउट हो रहे थे और एक लड़का 15 ओवर तक जा रहा था, वो बाबर जाए या साइम जाए जा रहे थे, तो वो इनकी जो टीम बेसिकली इनका भी लूप होल जो है ना बैटिंग में आ रहा था शुरू के 5-6 मैचों में कि बैटिंग में नंबर, फिर आगे पीछे हारिस को ऊपर हारिस को नीचे, अच्छा किसको खिलाएं, बहुत सारी चेंजिंग की, फिर एकदम से इनकी बॉलिंग पिटना शुरू हो गई, तो वो जो चीज़ थी ना वो डाइवर्ट हो गई दूसरी तरफ। मगर आज वही वाली बात है कि जिस तरह की ये लास्ट 3 मैचों में ओपनिंग पार्टनरशिप दिए इन दोनों ने, साइम ने और बाबर ने, और बाबर जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, और जिस तरह वो खेल रहा है आखिरी दोनों मैचों में सर क्लास नोक, जितनी तारीफ कर, क्योंकि एक उसकी एक नेचर है, जिस दिन वो हम क्रिकेट में हम बोलते हैं जब आपस में डोमेस्टिक खेल लेते हैं, यार जब ये अपनी जोबन पे खेल रहा होता है ना, फिर मैटर नहीं करता प्लेयर कोई भी बॉलर, सामने कोई भी पिच हो, सामने कोई बॉलर हो, टीम कौन सी हो, कंडीशन कोई हो, यही बात है कि जब आप में इतनी एबिलिटी होती है और उसके बाद जब यू नो इस तरह की आप इनिंग्स खेल सकते हैं जिसमें 6 में आपके 60-61 रन लगे हुए थे, उसके बाद भी आपने कैरी ऑन किया, इस तरह की इनिंग मैचेस जितवाती है, और बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और यही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं।